न्यूमेरिकल ऑन फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर. पहला न्यूमेरिकल कि सपोज ये एक अरेंजमेंट है जिसमें करंट आई एंटर करता है, कुछ करंट इसमें कुछ इसमें जाता है और फिर करंट यहां से बाहर आ जाता है. तो करंट कितना एंटर कर रहा है, 2A, 2 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है. 2 एम्पियर के करंट में से कुछ करंट इसमें और कुछ करंट इसमें एंटर कर जाता है, राइट. तो कुछ करंट ऊपर कुछ करंट नीचे. तो 2 एम्पियर में से हम ये बोल सकते हैं कि टोटल करंट कितना है, 2 एम्पियर है. 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर करंट इसमें और 1 एम्पियर करंट इसमें एंटर होके वापस 2 एम्पियर ऐसे आ जाते हैं. क्लियर है यहां तक. इसके बाद क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है डॉट 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 का मतलब बोर्ड के बाहर कितना, 0.25 टेस्ला. क्या निकालना है आपको, आपको इसमें निकालना है चारों वायर्स के ऊपर, इस फ्रेम के चार वायर्स हैं, चार वायर्स के ऊपर आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी. तो सबसे पहली चीज, आप फोर वायर्स में पहले ये वायर लेते हैं, इस वायर की लेंथ क्या है, आपको इसकी लेंथ कितने गिवन है, कॉर्नर ए साइड 20 सेंटीमीटर. तो लेंथ आपको एल गिवन है, करंट आपको इसमें 1 एम्पियर गिवन है, बी आपको इसमें 0.25 टेस्ला गिवन है. तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बी आई एल साइन 90. क्यों, क्योंकि लेंथ में और बी में एंगल कितना है 90. तो यहां पर आएगा बी आई एल साइन 90. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक. और ऐसी इसमें भी क्या होगा, बी आई एल साइन 90. इसमें क्या होगा, बी आई एल साइन 90. इसमें क्या होगा, बी एल साइन 90. तो यहां करेक्शन कर लेना, यहां पर 2 एम्पियर करंट नहीं है, यहां पर 1 एम्पियर करंट है. मैंने गलती से 2 लिख दिया, क्योंकि इस पर वायर में करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर करंट हो जाएगा. क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें. अब इसमें हमने क्या करना है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, मैग्नीट्यूड तो आ गया. अगर फोर्स की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो अगर ये वाली वायर लें तो इसके अंदर डायरेक्शन कैसे आएगी, बी कैसे है, बोर्ड के बाहर, बी लेफ्ट हैंड बोर्ड के बाहर. करंट कैसे है, इस तरफ. तो फोर्स कैसे आएगी, नीचे, बी बाहर है, करंट इस तरफ है, तो फोर्स कैसे है, नीचे. तो ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन आ गई डाउनवर्ड्स. चलो यहां लगाते हैं, यहां पर भी करंट कैसे है, डाउनवर्ड. तो बी कैसे है, बाहर. करंट कैसे है, डाउनवर्ड. तो फोर्स कैसे है, इस तरफ. बी बाहर, करंट यहां पर कैसे है, नीचे. तो फोर्स कहां है, इस तरफ. तो फोर्स यहां पर कैसे लगेगी, इस तरफ. चलो यहां लगाते हैं, बी कैसे है, ऐसे. करंट कैसे है, ऐसे. फोर्स कैसे है, नीचे. तो फोर्स यहां पर भी कैसे लगेगी, नीचे. अच्छा यहां लगाते हैं, बी कैसे है, ऐसे. करंट कैसे है, नीचे. फोर्स कहां है, इस तरफ. तो ये लो, ये सारी फोर्स की डायरेक्शन मैंने प्लॉट कर दी. तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कि पर वायर के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी इसमें. तो कैसे, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है यहां तक. तो ये पहला न्यूमेरिकल ऑन बी आई एल साइन 90. दूसरा, आपको इस क्वेश्चन में सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स गिवन है. इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, याद रखना, वो हमेशा कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ होती है. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो इसमें ये बी वेक्टर है, इसके बीच में से क्या पास हुआ हुआ है, करंट कैरिंग वायर. तो इसके बीच में से करंट कैरिंग वायर है, तो ये आपकी करंट कैरिंग वायर है. ये भी क्लियर है यहां तक. तो ये करंट कैरिंग वायर है, तो आपको ये बताना है कि बी की वैल्यू, इसके अंदर 1 टेस्ला है. रेडियस इसका, ये जो सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है आर, वो आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, आर की वैल्यू कितने गिवन है, 4 सेंटीमीटर. तो रेडियस 4 सेंटीमीटर है. तो आपको इसमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स वायर पे क्या लगेगी. तो अगेन बी जो है वो हमेशा कहां से कहां होता है, नॉर्थ से साउथ. तो बी वेक्टर नीचे है. एल वेक्टर कहां पर है, जिस डायरेक्शन में करंट है. करंट कहां पर है, राइट. तो एल वेक्टर कहां है, राइट. तो बी वेक्टर नीचे है, एल वेक्टर इस तरफ है. तो फोर्स कहां लगेगी, नीचे. बी ऐसे है, बी जो है सॉरी नीचे है. करंट कैसे है, ऐसे है. बी नीचे है, करंट ऐसे है. तो फोर्स सॉरी कहां लगेगी, इनसाइड. तो बी ऐसे है, नॉर्थ से साउथ. करंट जो है मेरी तरफ है, तो फोर्स कैसे है, इनवर्ड. तो यहां पर जो फोर्स आएगी वो कैसे आएगी, इनवर्ड आएगी. फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बी आई लेंथ, बोलो लेंथ क्या लें, वायर की लेंथ क्या लें,
ये तो इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लें नहीं, सिर्फ ये लेंथ लें जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रही है, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड में लाई नहीं कर रही, तो यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका डायमीटर जितना, डायमीटर कितना है 2r, तो bi into 2r, कोई डाउट इसमें? तो bi into 2r, तो वैल्यू आपके पास फोर्स की डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में गिवन एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास 200 ग्राम है, तो ये एक स्ट्रेट वायर है, ये आपके सामने एक स्ट्रेट वायर है, ये रहा स्ट्रेट वायर, ये रहा, और इसका मास क्या है 200 ग्राम, तो वेट कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट, तो वेट कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो इट कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन, मैग्नेटिक फोर्स आएगा, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, नहीं अच्छा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सॉरी ठीक है बी निकालना है, इसमें बी ही निकालना है। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में, ये एयर में सस्पेंडेड है, हवा में ऐसे टिका हुआ है, ऐसा कोई होता है वायर हवा में टिकी हुई है? नहीं होता, क्यों? क्योंकि वायर का वेट उसे नीचे गिर देगा, पर ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो वो फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस होगी, ऊपर, तो आपकी जो ऊपर की फोर्स है वो वेट को जो बैलेंस करेगी, तो उस केस में वायर नीचे नहीं गिरेगी, तो इसका मतलब जो इसमें वायर में करंट है अगर राइट है, बी कैसे है, बोर्ड के अंदर है, क्रॉस बोर्ड के अंदर है, करंट कहाँ है, राइट है, तो फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर, बी करंट फोर्स ऊपर, तो अगर ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बी आई एल साइन 90, अगर ये फोर्स वेट के इक्वल हो जाए, तो अगर ये फोर्स वेट के इक्वल हो जाए तो वायर नीचे नहीं गिरेगी, तो इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, बी, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, एम जी बाई आई इंटू एल आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो कैसे सोचना समझ में आ रहा है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि फिगर शोज ट्राइंगुलर लूप पी क्यू आर, तो ये क्या है, पी क्यू आर ट्राइंगुलर लूप है, कैरिंग अ करंट ऑफ आई, तो आई करंट है, द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल विद साइड इक्वल टू एल, जो ट्राइंगल है उसकी लेंथ क्या है, एल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बी वेक्टर एग्जिस्ट पैरेलल टू पी क्यू, तो बी वेक्टर कहां पर है, पी क्यू के पैरेलल है, ये रहा बी वेक्टर, तो बी वेक्टर पी क्यू के पैरेलल है, क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक? आगे देन फाइंड फोर्सेज एक्टिंग ऑन थ्री वायर सेपरेटली, तो आपको क्या निकालना है इसमें, कि ये जो तीन वायर्स हैं इसमें कितनी फोर्स एक्ट कर रही है सेपरेटली, तो सबसे पहली चीज आपने उसमें क्या करना है, एक एक करके शुरू करते हैं, पहले ये वायर लेते हैं, चलो पी क्यू, एक बात बताओ पी क्यू में करंट कहां पर है, राइट, तो पी क्यू की डिस्प्लेसमेंट कहां है, राइट, बी वेक्टर कहां है, राइट, तो पी क्यू की लेंथ राइट है, बी भी राइट है, बी और लेंथ में डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बनेगा, जीरो, तो फोर्स क्या लगेगी, बी आई एल साइन जीरो, दैट इज जीरो, तो पहला पार्ट क्लियर है, फोर्स इसमें जीरो लगेगी। चलो दूसरा पार्ट, इस पार्ट में करंट कहां पर है, ये रहा, तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, ये रही, जहां पर करंट है वहीं डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ये रही, बी वेक्टर कहां है, राइट, तो अगर ये एंगल 60 है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 60 है, तो ये कितना हुआ 120, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बी आई एल साइन 120, क्योंकि आपको एंगल डिस्प्लेसमेंट में और बी में लेना है, और बी में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है 120, तो क्या ये स्टेप भी क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? बस आपने करंट की डायरेक्शन देखनी है, अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो आपने एंगल बी और ऊपर में लेना है, और अगर करंट नीचे आ रहा होता तो फिर नीचे और बी में लेते, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक, आगे, अब इसमें नेक्स्ट जो है वो है ये वायर, नेक्स्ट है इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर करंट कहां पर है, नीचे, डायग्राम में थोड़ी गलती है, ये ना 120 नहीं है, ये 60 है, क्योंकि ये 60 ऐसे, तो करंट कहां पर है, नीचे, ये रहा करंट, तो डिस्प्लेसमेंट कहां है, नीचे, बी वेक्टर कहां है, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट और बी वेक्टर में बोलो एंगल कितने है 120, तो क्या आएगा, बी आई एल साइन 120 आंसर। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि जिस डायरेक्शन में करंट है वही आपके डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट और बी में एंगल ढूंढना होगा, वो अलग अलग डायग्राम में आपको अलग अलग ही मिलेगा।
जो करंट है पी क्यू वायर में, जो पी क्यू वायर है उसमें एल वेक्टर इधर है और बी वेक्टर भी इधर है, तो बी और एल में एंगल क्या है, जीरो, तो बी एल साइन जीरो। तो बी वेक्टर एक वेक्टर थोड़ी ना, पूरे बी बी है यहाँ पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है पूरी की पूरी है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बी है यहाँ पे बी नहीं है, तो पूरे रीजन में बी 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 प्रेजेंट है, ऐसे है। कहाँ है? एक डायरेक्शन में क्रॉस लगे हुए हैं यहाँ, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, एक बैटरी है, बैटरी ने कितना करंट दिया, 5 एम्पियर करंट दिया, और वायर ए बी है जिसकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो वायर ए बी की लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, एंड लाइज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.20 टेस्ला। तो बी आपको गिवन है, फाइंड बी। तो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है? आपको फोर्स नहीं, बी नहीं, यहाँ पर फोर्स करो, फाइंड फोर्स, ये बी नहीं है, फाइंड एफ, फाइंड यहाँ पर क्या करना है, फोर्स करो, फाइंड फोर्स ऑन द वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करंट आई पता है, मैग्नेटिक फील्ड बी पता है, आपको इसमें एल पता है, तो बी आई एल साइन 90। डायरेक्शन देख लें, बी कहाँ पर है, बोर्ड के अंदर, करंट कहाँ पर है, इस तरफ, तो फोर्स कहाँ पर है, ऊपर, बी करंट फोर्स। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट है, सपोज आपके पास ये डायग्राम गिवन है जिसके अंदर ये वायर ऊपर ऊपर इस तरीके से मूव कर रही है, आपको इसमें क्या क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला गिवन है, करंट 5 एम्पियर गिवन है, आपको इसमें पी क्यू के अंदर फोर्स निकालनी है, आपको इसमें पी क्यू में फोर्स निकालनी है, पी क्यू में, तो ये पी क्यू है, तो पी क्यू में करंट कहाँ जा रहा है पहले इसको देखना पड़ेगा। तो जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, पी से लेके क्यू तक करंट, ये आपका करंट, ये रहा करंट, ठीक है, पी से लेके क्यू तक ये करंट है, और बी वेक्टर कहां पर है, राइट है। तो करंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट में एंड बी में एंगल आपको क्या लेना पड़ेगा यहां पर, 60। क्यों? क्योंकि अगर ये 120 कॉरस्पॉन्डिंग से 120, 120 तो ये कितना, 60, तो आपको ये एंगल लेना है जो कि क्या बनेगा, बी में और एल में 60। तो क्या आंसर आएगा, बी आई एल साइन 60। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं? सर बोलो। सर एक बार वो एंगल बता दो। देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये अगर 120 तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये 120, तो ये स्ट्रेट लाइन है, 120 तो बचा हुआ एंगल कितना, 60। ओके सर 60 इसलिए लिया क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट ये है और बी ये है, तो हमें एंगल ये लेना है, ये नहीं लेना, एल वेक्टर और बी वेक्टर में, ये नीचे वाला, ये वाला, ठीक है।